बच्चों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। एक बार फिर आपको मैं आज स्टेट वर्ब का एक चैप्टर लेकर के आया हूं और इस वीडियो में आप बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ध्यान दीजिए, देखिए स्टेट वर्ब आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, स्टेट वर्ब्स इसमें नोट लिखा हुआ है कि स्टेट वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बल्कि इंडेफिनिट में प्रयोग की जाती हैं। जी हाँ बच्चों, स्टेट वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उनको इंडेफिनिट के टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है कि वे क्या पसंद कर रहे हैं, वाट वर वे क्या पसंद कर रहे थे, वाट वर दे लाइकिंग, सेंटेंस हमारा गलत है, पास्ट इंडेफिनिट का है ये। तो इसको हम कैसे करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का है और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो, व्हाट डिड दे लाइक। इसी प्रकार से मुझे क्या महसूस हो रहा है, व्हाट एम आई फीलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज कर दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, व्हाट डू आई फील, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत ही आपको जो है यूजफुल सिद्ध होगा सेंटेंस। आप करेक्ट एंड करेक्ट जो सेंटेंस सिंटेक्स में करते हैं तो आप इस स्टेट प्रयोग का उनमें वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई स्टेट वर्ब आती है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार से अब अगर प्रेजेंट या पास्ट का कोई भी टेंस कंटिन्यूअस में ना हो केवल वो हो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में इन वर्ब में हम आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत देर से क्या महसूस कर रहा हूँ, तो व्हाट हैव आई बीन फीलिंग फॉर लॉन्ग, बहुत देर से, ये देखो नीचे नीचे सेंटेंस दिया हुआ है सबसे, व्हाट हैव आई बीन फीलिंग फॉर लॉन्ग। देखिए कुछ वर्ब की हमने लिस्ट यहाँ पे दी है आपको स्टेट वर्ब्स की, फॉरगेट भूलना, सपोज मान लेना, अपीयर दिखाई देना, सी देखना, हियर सुनना, रियलाइज महसूस करना, रिगार्ड मानना, टेस्ट स्वाद चखना, स्वाद होना, अपीयर नज़र आना, और सीम प्रतीत होना, फियर डरना, लव प्रेम करना, लाइक पसंद करना, विश इच्छा करना, वांट चाहना, प्रीफर अधिक पसंद करना, हेट घृणा करना, लुक दिखना, अंडरस्टैंड समझना। ये जो वर्ब की एक लिस्ट है स्टेट वर्ब की, ये वर्ब ऐसी होती हैं स्टेट वर्ब कि इन पर इन क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, हमारे मन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए इनमें वर्ब में हम आईएनजी किसी भी वर्ब में नहीं लगाएंगे। ऐसी वर्ब में हमारा दिमाग का जो नियंत्रण है वो हमसे बाहर होता है, हम उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते, इसीलिए स्टेट वर्ब कहलाती हैं। तो इन वर्ब में हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाएंगे, केवल इनडेफिनिट की तरह से इसका प्रयोग करेंगे। स्टेट वर्ब का मतलब होता है स्थितिवाचक क्रियाएँ, कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता है। अब अगले एग्जांपल से इसको समझिए, मैं कुछ भूल रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, टेंस के हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से हमारा ये सही इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे कंटिन्यूअस की जगह पर, क्योंकि स्टेट वर्ब है फॉरगेट, आई फॉरगेट समथिंग, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस सही, इसलिए क्योंकि मैं कुछ भूल रहा हूँ, ये एक ऐसी स्थिति है कि मैं भूल रहा हूँ तो भूल ही रहा हूँ, कोई मुझसे कहेगा भाई याद कर लो तो उसके कहने से कैसे हो जाएगा याद, क्योंकि ये मेरे दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं है, मेरे बस में नहीं है, जो चीज़ मेरे बस से बाहर हो वो स्टेट वर्ब होती है। तो उसे डर लग रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ही वॉज फियरिंग, ये भी गलत है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दो सेकंड फॉर्म में, ता था ती ती ते थे आई ए की मात्रा, ही फियर्ड, उसे डर लग रहा था, ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डर लगना ये भी एक स्टेट वर्ब है। अब कोई मुझसे कहेगा भाई डर ना लगे तुम्हें, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरे बस में ही नहीं है ये चीज़, जो चीज़ मेरे बस में नहीं होती है बस वही होती है स्टेटिव वर्ब। तो बच्चों नमस्कार।